छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एक बार फिर सरगुजा संभाग के बलरामपुर में गोलीकांड का मामला सामने आया है, जहां उप सरपंच पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं। गंभीर अवस्था में उप सरपंच को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही तत्काल छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत घायल से मिलने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। लगातार ऐसे हमलों की निंदा करते हुए सरकार को इस हमले पर फेल बताया है। साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने लगाए हैं। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराध बढ़ गया है और अपराधों पर अंकुश लगाने सरकार नाकाम साबित हो रही है। वहीं एक और घटना सामने आ गई है जिसने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो बहुत चिंताजनक है। कहीं पर भी गोली चल जा रहा है, कहीं पर भी बड़े बड़े बर्दात हो जा रहे हैं। अभी बलरामपुर में जिले में संकरण में गोली चली है, इसके पहले सूरजपुर में घटना हो गया है, दो दिन पहले यह अंबिकापुर में फिर मर्डर हुआ है। तो ये रोज़ कहीं ना कहीं घटना हो रही है, जो बहुत चिंता का विषय है और इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो कार्यवाही जो है वो सख्त होना चाहिए और अपराधियों पे नकेल कसना चाहिए। अगर उसमें कहीं पर ढिलाई होगा तो लोगों का हौसला बढ़ेगा और घटनाएं भी बढ़ेंगी और इस प्रकार के जो रोज कैजुअल्टी हो रहा है ये होते रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी घटना हो उसका तह तक जाएं, अपराधी पकड़े जाएं और पुलिस के प्रति अपराधियों में खौफ हो। क्या लगता है सीएम आने वाले हैं, जिस तरह से घटना हुई है क्या लगता है? ये तो खुला चैलेंज है कि जब आप संभाग के दौरे में आते हैं, आप जिले के दौरे में आते हैं, तो अपराधी एक तरह से आपको चुनौती देते हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर के, और इसमें विराम लगाना जरूरी है। मैं ब्रिजेश यादव, युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बलरामपुर। क्या घटना हुई? हमारे चाचा हैं, वो रोज की भांति अपने गांव में परेवा में वहीं पे एक लगा हुआ गांव है देवसरा, वहां टमाटर का खेती किए हुए हैं, तो रोज़ वहां आना जाना उनका लगा हुआ रहता है। तो आज भी सुबह गए थे और शाम को लौट रहे थे, तो रास्ते में दो बाइक सवार थे जो गाड़ी अड़ा के बैठे हुए थे, ख़राब हो गया गाड़ी करके। तो चाचा रुके वहाँ पे और भाई रुके तो पूछे उनसे कि भाई क्या हो गया है, तो बोले कि ये नहीं, हम लोग का गाड़ी ख़राब हो गया, वहीं पे बैठे हुए थे। तो फिर उन लोग बस वहाँ से उठे हैं और इसके बाद पिस्टल निकाले और गोली चला दिए हैं। एक बार गोली चलाए तो पहला गोली पेट पे लगा है और दूसरा गोली फिर जब उनको धक्का दिया तो हाथ में लग गया। उनका वैसा कोई रंजिश तो नहीं है गाँव में, बाकी भाई पुलिस जाँच कर रही है और आरोपी जब पकड़े जाएंगे तो कुछ स्पष्ट होगा कि क्या बात है। संदेह वैसा अभी तो किसी के ऊपर है नहीं, अब जो भी होंगे आरोपी पुलिस अगर पकड़ती है तो भी स्पष्ट होगा कि क्या मामला है। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? रंजिश कुछ है नहीं, अब क्या बता पाएं कि क्या मामला है। घात लगा के ही हमला हुआ? हाँ, घात लगा के वो पहले से ही बैठे हुए थे वहाँ पे। पहले भी मेरा छोटा भाई चाचा का ही लड़का, वो कुछ देर पहले वहाँ से क्रॉस किया था, तो वहाँ पे वो बाइक वाले पहले से ही बैठे हुए थे। अब वो किसका इंतजार कर रहे थे, अब किस चाचा गए तो चाचा को फिर गोली मार दिया। कुछ पैसा तो भी रखे थे क्या वो साथ में? नहीं, पैसा साथ में तो नहीं रखे हुए थे। क्या काम करते हैं? चाचा उप सरपंच है और खेती बाड़ी करते हैं।